नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। फिल्म हो, सीरियल हो या फिर रियल लाइफ हो, सास बहू के झगड़े तो हमने अक्सर देखे हैं। कई बार तो सास बहू के बीच होने वाले नोकझोंक भी काफी चर्चा का विषय बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सास बहू की बात कहां से आ गई, तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि आखिर मामला पूरा है क्या। दरअसल सास बहू का तेलंगाना से एक मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहां एक महिला कोरोना की चपेट में आ गई थी, उसे होम आइसोलेशन में रखा गया तो वो अपनी बहू को ताने देने लगी। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो महिला ने अपनी बहू को जबरन गले लगा लिया और उसे भी संक्रमित कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये घटनाक्रम तेलंगाना के सोमरीपेटा गांव की है, जहां एक महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसे घर में ही आइसोलेट कर दिया गया। कोरोना फैलने के डर से परिवार के लोगों ने उससे मिलना जुलना भी बंद कर दिया। हालांकि इस बात से वो महिला भड़क गई और अपने परिवार के लोगों से नाराज रहने लगी। फिर क्या था, महिला ने इसका बदला इस तरह लिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। महिला ने अपनी बहू को जबरदस्ती गले लगा लिया और उसे भी कोरोना संक्रमित कर दिया। बाद में जब बहू की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो उसे गांव के घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद उसकी बहन उसे अपने माता पिता के घर ले आई। परेशान महिला ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, जिन्होंने 31 मई को महिला के घर का दौरा किया था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि महिला आइसोलेशन में इतनी परेशान हो गई थी कि वो अपनी बहू को ताने देती थी कि मेरे मरने के बाद तुम सुखी रहना चाहती हो, इस वजह से मुझे कमरे में बंद कर दिया है। खैर, अक्सर हमने सास बहू के कई मामले लड़ाई के देखे हैं, लेकिन इस तरह से जिस तरह से महिला ने अपनी बहू को कोरोना पॉजिटिव कर दिया, उम्मीद हम यही करते हैं कि दोनों महिलाएं जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना वीडियो को ना भूलें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।